देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर में हो रही राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस नेशन में आज कुल 13 फाइनलिस्ट को 2 चरणों में परखा गया। पहले चरण में पर्सनल इंटरव्यू राउंड के तहत प्रतियोगियों का IQ, ओवरऑल पर्सनालिटी और उनको खुद को प्रस्तुत करने के तरीके को परखा गया। दूसरा चरण टैलेंट राउंड यानी सब कॉन्टेस्ट का रहा, जिसमें अनुभवी जजों के पैनल ने सभी प्रतियोगियों में से बेस्ट वॉक, बेस्ट टैलेंटेड गर्ल, बेस्ट स्किल, बेस्ट आइज और कंप्लीट पैकेज ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन का चयन किया। इस टैलेंट राउंड के अंतर्गत सभी 13 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट ने अपने अंदर छिपी विभिन्न कलाओं का भी प्रदर्शन किया। किसी ने पेंटिंग की, किसी ने अपने पैरों में रोलर स्केट्स पहनकर नृत्य प्रस्तुत कर जजों तथा आयोजकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी राउंड के तहत विभिन्न प्रकार के नृत्य, गायन तथा एक्टिंग का भी प्रदर्शन कंटेस्टेंट द्वारा किया गया। आज हमारे साथ मौजूद है मिस नेशन की कंटेस्टेंट नंबर 2 करिश्मा मोडसराफ। तो अभी उनका एक राउंड हुआ है, उसके बारे में जानते हैं उनसे। करिश्मा जी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे और क्या आपको जाने से पहले कुछ हेजिटेशन था या आप फुल कॉन्फिडेंट थी? जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मतलब सब कुछ नर्वसनेस रहता ही रहता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा था। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था नर्वसनेस की वजह से, एंड बट वहाँ गई, उन लोगों की खुशी मतलब स्माइल देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, दे आर लाइक अ फैमिली एंड दे आर आस्किंग मी लाइक नॉर्मल क्वेश्चन। दे वर आस्किंग मी लाइक अबाउट माई सेल्फ, माई प्रोफेशन, व्हाट आई डू। या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सोचने में मजबूर किया हो किसी क्वेश्चन ने अंदर में? वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया अच्छे से, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं रुकी, बट हाँ वो थोड़ा अटक जाती हूँ मैं, बिकॉज कोई सामने बैठा है एंड दे आर आस्किंग मी समथिंग, तो मतलब मैं अटक जाती हूँ उस चीज़ में। तो या मैं थोड़ा बहुत अटकी, बट आई गेव माई आंसर्स परफेक्टली आई थिंक। दिस इस पूरे कंटेस्ट में आप अपने आप को कहाँ पाती हो, मतलब आप विनर टॉप 3 में पाती हो आप उनको, आप खुद को? डेफिनेटली हर लड़की जो यहाँ है वो खुद को एज अ विनर ही देखती है, सो या आई ऑल्सो थिंक दैट एटलीस्ट आई एम इन टॉप 3। यस, थैंक यू करिश्मा। हमारे साथ अब है कंटेस्टेंट नंबर 1 श्रेया वर्मा, मुंबई से हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने अंदर में इस राउंड में क्या क्या फेस किया है। तो श्रेया जी बताइए कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको सोचने पर मजबूर किया हो? क्वेश्चन तो सबके बहुत अच्छे थे, बट कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के प्रेजेंट करना होगा उस क्वेश्चन को, बिकॉज एक क्वेश्चन ऐसा था विच वाज़ व्हाट इज़ योर ब्लूप्रिंट टू हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ इंडिया विच इज़ व्हाट आई वांट टू वर्क टूवर्ड्स। तो वो सोचा नहीं था मैंने उतना, क्योंकि इट्स अ वेरी फार साइटेड आइडिया एंड प्लान, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि दैट वॉज़ वन चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर मी। एंड ये चैलेंज तो गवर्नमेंट भी फेस करती है इंडिया की, बट आई थिंक जब साथ में सब लोग मिल के कुछ इसके लिए काम करेंगे तो इट विल हेल्प द सोसाइटी। यस, आप इस पूरे पेगेंट में खुद को कहाँ पर पाती हैं? टॉप 3? डेफिनेटली, वाई नॉट। आई थिंक आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन and I believe that I have so much to give back in the society, and when you are true to who you are and when you want to do something authentically, I believe that the universe gets attracted by that, and I would love that. Yes, thank you Shreya for talking with the Star India News 19. Hamare sath Miss Nation ki contestant number 6 hai, inka naam hai Sanyogita. आइए जानते हैं कि उनका PI राउंड कैसा रहा। सभी जजेस बहुत अच्छे थे, पहले मैं थोड़ा नर्वस थी पर फिर सबने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे कि मतलब मेरे ही रिलेटेड थे, तो कुछ भी नया नहीं था, जो भी मतलब मुझे अपने आप को जैसा दिखाना था वैसे ही मैंने उत्तर दिए हैं, और
और सब ने बहुत हमें काम कराया, नर्वस नहीं होने दिया और सभी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे। ये सारे जूरी के पैनल में कोई फेवरेट आपका जज रहा है इनमें, जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कुछ या फिर आपका स्ट्रेस कम किया इस टाइप? सभी अच्छे थे बट हमारे सर कोरियोग्राफर सर है खीजर हुसैन, उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले सबको बाहर आके बताया कि नर्वस नहीं हो, जो भी आपको पोर्ट्रे करना है आपको वही बोलना है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट खीजर सर ने किया। थैंक यू संयुक्ता। अभी हमारे साथ में कंटेस्टेंट नंबर 4 है, जो मिस नेशन की कंटेस्टेंट नंबर 4 है। यहाँ पर 2 राउंड हुए हैं, पर्सनल इंटरव्यू और टैलेंट राउंड, तो इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। पूजा बताइए कि इन 2 राउंड में क्या आपको खासियत लगी, कुछ स्पेशल आपको नोटिस हुआ इस चीज़ में? आज का जो सब कॉन्टेस्ट था और जो टैलेंट राउंड था वो काफ़ी अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ख़ास बात जो थी यहाँ पर वो हमें एक सर थे जो जज करने आए थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सर थे, उन्होंने हमें हमारी गलतियाँ भी बताई, उन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया और साथ में हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि हम आगे के पेजेंट्स में और अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। तो ये एक खासियत थी जो मुझे लगी आज के कॉन्टेस्ट में, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड फॉर द फिनाले। थैंक यू। आपने टैलेंट राउंड में क्या परफॉर्म किया? टैलेंट राउंड में मैंने डांस परफॉर्म किया है। क्या सॉन्ग था? बड़ी मुश्किल था माधुरी दीक्षित का, माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट है और उनके गाने पर परफॉर्म किया मैंने आज। सभी कंटेस्टेंट्स में आप खुद को कहाँ पाती हो? यहाँ पे सभी बहुत टैलेंटेड है, काफ़ी लड़कियाँ हैं जो नागपुर के बाहर से भी आई हुई है, पर अगर मैं इस पेजेंट में हूँ, मैं यहाँ पे कंपटीशन में हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि सब अपने आप को यहाँ नंबर 1 ही सोचते हैं और मैं भी अपने आप को टॉप पे ही देखती हूँ। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सभी बहुत टैलेंटेड है, मतलब कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ है। एक्चुअली कंपटीशन बहुत टफ है, काफ़ी टफ कंपटीशन है, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई टैलेंट है और सारे के सारे कंटेस्टेंट्स जो आए हुए हैं वो काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं, तो वो देख के डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। ओके पूजा, वेरी गुड लक फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच। भाविता जी, मिस नेशन जो नेशनल लेवल का ब्यूटी पैकेट नागपुर में हो रहा है, इसके आज जो राउंड्स हुए हैं उसके बारे में आपके विचार बताइए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ अ वेरी ऑनरेबल एंड प्रेस्टिजियस इवेंट विच इज़ बीन कंडक्टेड बाई माई बेस्ट फ्रेंड दीपाली मिश्रा एंड दिनेश मिश्रा सिंस ईयर्स विथ लॉट्स ऑफ पैशन डेडिकेशन, और उनकी हर इस इवेंट के एस्पेक्ट्स में पर्सनल टच रहता है, लाइक प्रॉपर दिल से एक फैमिली मेम्बर होके वो सबका टेक केयर करते हैं। और रही बात आपके क्वेश्चन की, फर्स्ट ऑफ ऑल द इवेंट का वाइब वाज वेरी ऑसम एंड इट वाज वेरी होमली, एवरी कंटेस्टेंट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल और सारे के सारे वैरायटी ऑफ टैलेंट से भरपूर है, बहुत मल्टी टैलेंटेड कंटेस्टेंट है और देख के मुझे खुद को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि ये सारे जो आपने कंटेस्टेंट्स के आप परफॉर्मेंस देखे हैं आज स्पेशल, उसमें से सबसे स्पेशल और या तो फिर 1, 2, 3 काउंट में आप किन को लेंगी? ओके, 1, 2, 3 काउंट एज सच मैं नहीं दूंगी बिकॉज वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगी, सब वेर एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट कुछ कुछ लोग मुझे बहुत यूनिक लगे, जैसे रोलर वाला परफॉर्मेंस हो गया, पेंटिंग हो गया, कथक डांसेस हो गया, एवरीथिंग वाज ऑसम, बट कुछ कुछ बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारे थे, सो आई वुड लाइक टू से 3 ऑफ देम। अंत में सभी प्रतियोगियों ने आसमान में आकाश दिए छोड़कर नागपुर के आसमान में 4 चांद लगा दिए। ऐसी ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।